हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्रैक्स मूवी का बॉक्स कलेक्शन कितना रहा डे वन से लेकर डे फाइव के बीच में। दोस्तों, आपको मैंने दो दिन पहले ही बताया था क्रैक्स मूवी और आर्टिकल 370 का जो कंपेरिजन करके बताया था कौन मूवी कितना ज़्यादा कलेक्शन की है और किसका ज़्यादा बजट है और कौन अच्छा कर सकती है और कौन फ्लॉप कर रही है, ये मैंने कंपेरिजन किया था, उसमें बताया था। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। सो गाइस, बात कर लेते हैं क्रैक्स मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है डे वन का वो है 4,25,00,000, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ फ्राइडे डे वन का। ये भी अगेन आर्टिकल 370 के साथ ही रिलीज हुई थी 23 जनवरी को। और इसका जो डे टू का बजट है, डे टू का जो कलेक्शन है वो 2,15,00,000 है और डे थ्री का जो संडे का कलेक्शन है वो 2,03,00,000 और डे फोर का यानी मंडे का जो कलेक्शन है वो 1,00,00,000 है। और जो डे फाइव का कलेक्शन है वो अभी बताया नहीं गया, रिवील नहीं किया गया, क्योंकि शाम तक इसका जो आता है लेकिन कलेक्शन। तो मोटा मोटी मैं अगर बताऊं आपको जो डे फाइव का जो अभी अपडेट है उस हिसाब से 1,00,00,000 डे फाइव में भी कलेक्शन इसका हुआ है, सिर्फ 1,00,00,000। और इसका डे टोटल जो कलेक्शन मिला दें वो है 10,11,00,000, जो कि बहुत कम है, क्योंकि आर्टिकल 370 का जो कलेक्शन है वो डे फाइव का, मैं आपको बता दूँ, वो 27,00,00,000 है। और आप देख सकते हैं इसका जो बजट है, इसका जो टोटल कलेक्शन है वो 10,11,00,000 है, क्योंकि इसका बजट भी ज़्यादा है आर्टिकल 370 से। इसका बजट 40 से 50 करोड़ का है और उसका 30 से 35 करोड़ के बीच में है। लेकिन मैं एक क्लियर बताऊं तो आपको, जो इन दोनों के बीच में है वो 10 करोड़ का गैप है, 10 से 5 करोड़ का। कहाँ आर्टिकल 370 5 करोड़ कम में बनी है क्रैक्स मूवी से, और क्रैक्स मूवी आर्टिकल 370 से 1 गुना ज़्यादा बजट में बनी है। तो आप सोच सकते हैं आर्टिकल 370 है उसमें तो ज़्यादा बड़ा स्टार कास्ट भी नहीं है, कि यामिनी गौतम को बड़ा चेहरा रखा गया है। और इसमें जो क्रैक्स मूवी है, विद्युत जमाल खुद और अर्जुन रामपाल और जैकलिन फर्नांडिस और नोरा फतेह, मतलब बहुत सारे स्टार कास्ट हैं। और जॉनी लीवर की बेटी है जो इसी मूवी से डेब्यू कर रही है, और भी बहुत सारे अदर कास्ट हैं। सो गाइस, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें बड़े बड़े चेहरे हैं। ये अलग बात है कि ये मूवी एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ बॉलीवुड में आई है, इसे सराहना किया जा सकता है, लेकिन इसका जो बजट है ये, बजट मैं बोल रहा हूँ, इसका जो कलेक्शन है बॉक्स ऑफिस का वही बता दे रही है कि ये मूवी मतलब फ्लॉप हो गई है, होगी नहीं, हो चुकी है फ्लॉप, और ये डिजास्टर भी हो गई है। क्योंकि विद्युत जमाल का कहाँ मूवी था, अभी 71 और कमांडो जैसी और कई सारी मूवी था जो एक्शन से भरपूर था। नो डाउट कि एक्शन इसमें है, लेकिन वैसा दिखाया नहीं गया, प्रेजेंट नहीं किया गया जैसा पब्लिक चाह रही थी। विद्युत जमाल से जो एक्सपेक्ट हमेशा करती है, वैसा इस मूवी से आई थिंक मुझे तो नहीं लगता कि एक्सपेक्ट कर सकती, क्योंकि ये मूवी बहुत छपरी तरह से शूट किया गया। आप देख सकते हैं, मूवी देखे होंगे तो, ये मूवी क्रैक्स तो विद्युत जमाल छपरी लैंग्वेज का यूज करते हैं, टपोरी लैंग्वेज, सो कॉल्ड मुंबई का जो टपोरी लैंग्वेज था वैसा, तो पता चल रहा था उसी से कि ये मूवी नहीं, कहीं नुक्कड़ और गली का जो लड़ाई झगड़ा होता है वो दिखाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत ज़्यादा फ्लॉप कर गई है, मुझे लगता नहीं है, मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से ही बता रहा हूँ आपको, ऐसा हो चुका है, ये फ्लॉप हो गई है। और विद्युत जमाल का मतलब एक ही बोले कि दिवालिया उसका निकल गया है, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं वो तो इसका मतलब ले लिए हैं बजा कर, जैसा कि हुआ था आदि पुरुष में प्रवास के साथ, वैसा ही कुछ इनके साथ हुआ है विद्युत जमाल के साथ। तो अगर आप विद्युत जमाल के फैन हैं तो बताइएगा कि आपको ये बजट कैसा, कलेक्शन कैसा लगा, और आप अगर विद्युत, क्या आप खुश हैं विद्युत जमाल के इस मूवी से, तो ये भी कमेंट करके बताइएगा। आज के इतना ही, मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।